अंजनी कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम पटना। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों देवियों, सबसे पहले तो आभार सूर्यकाल के लिए मेंटर जो मुंबई के एक संस्था है उनके द्वारा जो ये एग्जीबिशन लगा है उसके लिए, और इसराइल के तीन बड़े आर्टिस्ट का एक एग्जीबिशन है, उसके एम्बेसडर आने वाले थे लेकिन उन लोगों का नया साल हो रहा है इसलिए वो लोग बाद में आए। जब वो आएंगे तो फिर हम उनके लिए कार्यक्रम करेंगे और कुछ फिल्म लेके आएंगे तो आप लोग और डिटेल में देख सकिएगा। अभी तीन बड़े आर्टिस्टों का काम आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने जब शुरू किया बिहार म्यूजियम बिनाले तो आइडिया था कि हम लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन लाएं जो एक तरफ जहाँ देश भाग ले रहा हो और G20 में जहाँ हर देश से कलाकार भाग ले रहे हो, तो हम लोग ऐसा भी कुछ एग्जीबिशन चाहते थे जो यहाँ के लोगों को और कला के लोगों को बताए कि एग्जीबिशन लगाया कैसे जाता है। सामान्यतः आप देखते होइएगा कि एग्जीबिशन होता है तो ये पेंटिंग का होता है, स्कल्पचर का होता है, कहीं के इंस्टॉलेशन होता है, लेकिन उसको कंसेप्चुलाइज करके कैसे विभिन्न विधाओं को जोड़ के, जैसे पेंटिंग में मिक्स मीडिया होता है तो एग्जीबिशन में मिक्स मीडिया समझो, जैसे ये सूर्यकाल देखोगे तो पेंटिंग भी है एक आर्टिस्ट का, मेन आर्टिस्ट का, फिर उसमें फोटोग्राफ भी है, फिर उसमें म्यूजिक भी है। अगर आप इंटरनेशनली देखिएगा बड़े एग्जीबिशन को तो इस तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मैं एक बार एक एग्जीबिशन देख रहा था, पॉम्पिडू सेंटर है पेरिस में, और सल्वाडोर डाली का एग्जीबिशन था। हम सोच रहे थे केवल सल्वाडोर डाली का काम देखने को मिलेगा, लेकिन जब देख रहे हैं तो बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके समय के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे जिनसे वो प्रभावित थे या जो उनके समय काम करते थे दूसरे लोग, उनका काम भी लगा हुआ, साथ साथ उसमें म्यूजिक क्या था उसको भी दिखाया हुआ था, उसमें फैशन क्या था वो सब वो भी दिखाया हुआ, तो एक कंटेक्स्ट पैदा होता है कि तुम उस आदमी के काम को, उस आर्ट को पूरे तरह से आप ठीक से समझ सकते। तो सूर्य काल में आपको वो आनंद आएगा और इसका टाइमिंग भी ऐसा रखा गया है कि वो छठ तक चले, तो छठ हम लोगों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व, और सूर्य ही हमको लगता है कि एकमात्र देवता है जिनको हम लोग देखते हैं, और कोई देवता को तो मूर्ति में देखते हो, असली तो देखते नहीं हो, लेकिन सूर्य तो असली सूर्य है उसको हम लोग रोज देखते हैं और सुबह प्रणाम करते हैं, वो तो तरह तरह से पूजा उपासना करते हैं। छठ तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो हम लोगों का विचार यही रहा है कि हम लोग वैरायटी दिखाएं यहाँ के लोगों को और लोग जाने, क्योंकि बिहार म्यूजियम का काम एजुकेशन का दिखाना, आज का काम म्यूजियम केवल जो हमारे पास है पहले से कलाकृति उसको दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों को नई नई बात भी बतानी है। अब हर आदमी तो उतना साधन नहीं है, उतना समय नहीं है, पूरी दुनिया घूमते कला में क्या हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों में देख सके, तो क्यों नहीं हम लोग सारी कला को बिहार म्यूजियम में लाए कि यहाँ के लोग देख सके, तो बिहार के नहीं देश के, और काफी लोग आने लगे हैं, काफी लोग इसमें भाग लेने लगे हैं, तो वैरायटी और रेंज दिखाने को। अभी जो दो आप कार्यक्रम देखिएगा आज से और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा, इसके बाद हम लोग फिर थाईलैंड का लाएंगे, वो थाईलैंड का भी कंटेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कि थाईलैंड पे भारत का क्या प्रभाव है और भारत पे थाईलैंड का क्या प्रभाव है, क्योंकि एक जमाने में साम्राज्य का वो हिस्सा था, काफी प्रभाव है, वहां जाओगे वहां के कपड़े पे, बोली पे, खाना पे, वहां क्या इंडोनेशिया जाओगे तो उसका एक आइलैंड है बाली, तो लगेगा कि वो हिंदुस्तान का टुकड़ा है, वहां सब नाम हिंदुस्तान के हम लोगों वाला नाम है, वहाँ पूजा राम सीता अर्जुन कृष्ण इनकी पूजा होती है, उनके मंदिर है, सब कुछ है, हालांकि इंडोनेशिया एक प्योरली मुस्लिम देश है लेकिन उसका एक आइलैंड है, उसका कारण कि हमारा संबंध बना, वहाँ जो लोग गए हमारे यहाँ से जो लोग गए तो अपने कल्चर को बना के रखे और उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया, और आज आपको हम तो थाईलैंड वाला भी आपका उसी तरह का एग्जीबिशन होगा, हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को, एक देश की कला दूसरे देश की कला को प्रभावित। उसके बाद एक हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंट मेकर, यहाँ बहुत श्याम शर्मा जी हैं,
जैसे वरिष्ठ कलाकार हैं, तो एक हम लोग इंटरनेशनल प्रिंट एग्जीबिशन करने जा रहे हैं जिसमें कि 40 देश के लोगों का प्रिंट लगेगा, प्रिंट का काम लगेगा। तो आपको एक रेंज दिखाई पड़ेगा दुनिया में कि प्रिंटिंग के, प्रिंट मेकिंग के एरिया में क्या डेवलप है। फिर एक उसके बाद इटली का एक एग्जीबिशन होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है तार्सितो नाम है, इटालियन कलाकार है, उनका एक अलग स्टाइल है, वो अकेले काम नहीं करते, उसका सब काम कोलैबोरेटिव होता है। जैसे कोई कैनवास है तो उसमें वो आधा काम वो करते हैं, आधा काम दूसरा आर्टिस्ट करता है, तो जो होता है मिला जुला होता है। स्कल्पचर बनता है तो स्कल्पचर के कुछ हिस्से तो वो काम करते हैं, कुछ दूसरे करते हैं, और इस तरह से उन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया है, कई देशों में जाकर फोक आर्टिस्ट लोगों के साथ काम किया है। हम लोग उनसे बिहार के आर्टिस्ट को भी मिलाएंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। फिर अपने पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित जी हैं, उनका सेरामिक भी होगा। तो रेंज के ख्याल से भी, मटेरियल के ख्याल से भी, अपने पड़ोसी देशों का भी हम लोगों ने किया, बहुत दूर के देशों का पनामा और कोस्टारिका, वहाँ की कला को भी हमने देखा। इस पूरे का उद्देश्य है कि अपनी कला की ताकत तो दिखाएं दुनिया को, और दुनिया में जो कला विविध रूपों में है उसे हमारे लोग जाने समझे और उसे फायदा उठाए। एक बार फिर दोनों आज दोनों की शुरुआत है, दोनों एग्जीबिशन की, और जो पूरी टीम है, जो लेट बतुल्लाल मेहता के बारे में शायद आप लोग जानते होइएगा, कि जो बिहार म्यूजियम कंसीव हो रहा था तो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज था उस समय, वो उसकी इंडिया हेड थी और इसके कंसेप्चुलाइजेशन में उनका बहुत हाथ, उनको बिहार म्यूजियम अच्छे से मालूम है, और जो समय कंसेप्ट लाया गया था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि उसी तरह से पहले लोकल, फिर नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम हम बने। हम केवल इंटरनेशनल म्यूजियम नहीं बनना चाहते, पहले तो हम अपने जो मेरे लोकल विजिटर्स हैं उनको सर्व करना चाहते हैं, लोकल आर्टिस्ट को सर्व करना चाहते हैं, तब देश के आर्टिस्ट को, देश के लोगों को सर्व करना चाहते हैं, अंत में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पूरी दुनिया को सर्व करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि बिहार म्यूजियम सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है बल्कि इसका काम एजुकेशन भी है, पहले लोकल, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल। बिहार म्यूजियम का जो है अभी बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल श्री अंजनी कुमार सिंह जी आप लोग को संबोधित करते हुए ये बातें बोल रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंजन कुमार अमृत निधि, रिपोर्टर अमृत निधि न्यूज, पटना बिहार, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।